और मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक मेरी रंगोली का, बहुत प्यारी बन रखी है, बहुत प्यारी। मैंने इतना अच्छा सर्कल उठाया ना बिना लाइन ड्रॉ करे हुए, ठीक है ये ब्लू वाला देख लो, मतलब क्लोजअप दिखा जी आई दादा। क्या बना रही काशु, रंगोली बोल दो। हाँ हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति दामी ब्लॉग्स, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और अभी मैं बैठी हूँ अपने मंदिर वाले कमरे में क्योंकि हम बना रहे हैं आज रंगोली। मेरा सपोर्ट करने वाला है निलेश, ये हेल्पर है, ये हेल्पर है, बाकी देखने वाले यही है, मम्मी भी इधर ही है, विनोद भी यही है और जिया भी यही है और हम बनाएंगे यहाँ पे रंगोली। तो ये रहा मेरी रंगोली का कलर और एक एक्सटेंशन भी लेके आई हूँ मैं, ठीक है। तो पहले इसे बनाते हैं बीच में, बाकी फिर मैं बनाऊंगी अपने हाथ से जो भी आगे का डिजाइन होगा। और कैमरा मैन बनेंगे विनोद और जिया, कभी जिया बनाएगी कभी विनोद, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हाथ से ज्यादा अच्छी बना लेती हैं, पता नहीं मैंने क्या करा अच्छे से बना रहा। तो आप इसको खोलते हैं, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या कलाकारी हुई है मेरी। आई जस्ट होप अच्छा बने। वाह देखा, मैंने कहा था आटे से बनाओ। विनोद विनोद सबको बनाओ, ए विनोद तो जो मैंने एक्सटेंशन से बना रखा था ना उसके बाहर मैंने रेड बॉर्डर कर दिया है। आप यहाँ से मैं पूरा अपने हाथ से बनाऊंगी जैसा भी होगा। वैसे मैं ठीक ठाक रंगोली बनाती हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मुझे नहीं आती है। तो मैं काम चला हूँ हर चीज में, और रंगोली मैं बना रही हूँ हमारे जस्ट मंदिर के बगल में, मंदिर के आगे इसलिए नहीं बना रही क्योंकि हम पूजा पाठ करेंगे तो उस टाइम पे फिर ना पैर वैर लग जाएंगे, खराब हो जाएगी। तो ये हमारा मंदिर, मंदिर के जस्ट बगल में मैं बना रही हूँ रंगोली। अभी बस इतनी हो रखी है, ये रही, आगे आगे मैं यहाँ यहाँ तक बनाने की सोच रही हूँ, देखती हूँ कितना बनता है, कितने मेरे पास कलर बचते हैं, थोड़ा फूल भी लगाऊंगी मैं तो उस हिसाब से। महारानी भी यहाँ पे आ गई है यीशु के साथ। हाय बेबी, हेलो। मम्मा क्या बना रही है काशु, रंगोली बोल दो। तो मैंने जो रेड लाइन डाली थी ना उनके अंदर जो मैंने डिजाइन बनाया उसमें मैं येलो कलर फिल कर रही हूँ और इस बार ना कलर मेरे अच्छा है, पिछले बार वाले कलर मेरे बहुत ज्यादा लाइट थे ना जिया, इस बार के कलर ठीक आए डार्क। मेरी रंगोली ना बिना डिजाइन बनाई मैं बना रही हूँ, ठीक है, कि आप पहले आउटलाइन हर किसी में कुछ करे रहते ना चौक वॉक से तो मेरे लिए इजी होता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, और सर्कल भी नहीं बनाया था, सर्कल भी मतलब ज्यादा ही होशियार बन गई आगे के कारण सीधे बना दिया मैंने सर्कल तो, लेकिन सही बनाया मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैंने इतना अच्छा सर्कल उठाया ना बिना लाइन ड्रॉ करे हुए, ठीक है, ये ब्लू वाला देख लो, मतलब क्लोजअप दिखा जी आई दादा। मेरा मेरा गोला इतना सुंदर। अब मैं इसमें ना जो एक खाली जगह ब्लैंक स्पेस है ना इसमें मैं ग्रीन भरती हूँ, ये वाला तो यहाँ पे ना मैं ब्लू कलर से बनाने लग गई एक और डिज़ाइन बाहर को, क्योंकि मैं सोच रही थी ना थोड़ा बड़ी बड़ी रंगोली बनाऊँ, छोटी रंगोली मुझे नहीं बनानी थी, तो इसको मैं ब्लू कर देती हूँ फिर इसके अंदर कुछ डार्क कलर से फिल कर दूँगी। मेरा वीडियोग्राफर था ख़राब जो वीडियो बनाना भूल गया आधे में, तो अभी मेरी रंगोली हो गई है इतनी, ये कंप्लीट करने के बाद ये बॉर्डर बनाने के बाद ना मैंने ये बना दिया और इसमें मैंने ब्राउन डाल दिया क्योंकि ब्राउन ना किसी काम का नहीं था और मैं कहीं नहीं डाल सकती, मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया इनमें, और फिर इसमें एक और है, मैं
पिंक कलर ना ओवर हो गया, मतलब ओवर क्या हो गया, खत्म हो गया। और ठीक जितने मेरे इसके रंगोली के पैटर्न थे ना उतने में ठीक ही आया। अब मैं डाल रही हूँ ऑरेंज, इसलिए मैंने पहले दिमाग लगाया था तो मैं एक ऑरेंज और एक पिंक डालूंगी करके। और ये ऑरेंज भी ऑरेंज जैसा नहीं लग रहा। बहुत ही सुंदर, तालियां। ताली बजाने वाले भी चाहिए ना थोड़ा साथ में, एप्रिसिएशन जरूरी जरूरी है। कलर हो जाएगा तेज़े। हाँ अच्छा लग रहा है, अभी तो इसमें और डेकोर होगा। ये कर दे चूचू चिड़िया अंदर कर दे। मेरा कलर समाप्त ना हो जाए, अच्छा ही लग रहा है ना। छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया क्या? आइडिया सब पहुंच जाए। हाँ जिया हाँ वाह आयो खत्म। ये यस इतनी खुशी तालियां इतनी खुशी वो कर दिया मेरे जैसी। फिर यहाँ पे एक डब्बा कर देना। यार ऐसा नहीं करना है ना, फिर मैंने ये तो गड़बड़ हो जा रही है लास्ट में, क्योंकि ये क्लीन दिखना चाहिए ना, मैस दिखेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, समझ लीजिए आप ना गाइज। कभी भी आप ऐसे बिंदु बिंदु लगाएं तो आराम से लगाएं, प्यार से लगाएं, सहजता से लगाएं। चाची की तरह हो सकते हैं काम, बेइज्जती करने वाले भी तीन चार बैठे हैं ना भाई, दर्द बैठे हैं एक कैमरा के पीछे, एक मैं और एक वो वहां पे बैठे फोन चला रहे। इनके शक्ल भी दिखाना कैमरा में, बहुत ही की शक्ल नहीं इनको शर्म नहीं आती होगी क्या विनोद मेरे साथ ऐसा करने के लिए? आज चुकना हैं क्या सोच क्या सोचते होंगे भगवान तो समान होती है। हाँ भगवान तुम्हारा करेंगे फिर बेड़ा पार एक की बार, फिर करिए फिर कम से कम सोच रहे कब करेंगे। लंगूर जैसे शकल भी निकालना ये देखो रंगोली गंदी बनाने का सर। देखो रंगोली बनाने वाले मैं और ये मेरा हाथ पकड़ रखा है, मुझे नहीं करने दे रही और अपना फोटो खींच रहा है ये देखो। तो फाइनली मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। दो घंटे से मैं रंगोली बना रही थी और मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक मेरी रंगोली का, बहुत प्यारी बन रखी है, बहुत प्यारी। शुरू करेंगे हम इतने सारे कलर्स के साथ, मैंने अपनी रंगोली बनाई है और सामने पे मैंने ऐसे टेबल पे ना फ्लावर डेकोरेट कर रखे जो बहुत सुंदर लग रहा है। तो मेरी महारानी मेहंदी लगा के, आप तो दिखाओ पापा मेहंदी, तो देखो कितनी सुंदर लग रही है मेहंदी। और इसको ना मेहंदी इतनी ज्यादा पसंद है मैं क्या बताऊं चाची। सुंदर सी रंगोली बनके रेडी है और बहुत प्यारी लग रही है, कल हम इसमें फोटो खींचेंगे, ठीक है। और तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई जस्ट होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो और हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रहे, दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।